केंद्रीय बजट पेश होने के बाद उत्तराखंड में राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। जहां विपक्ष ने इसे निराशाजनक बजट बताया, तो वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आत्मनिर्भर भारत का मजबूत बजट कहा है। सीएम ने कहा कि हेल्थ सेक्टर में बड़ी क्रांति आएगी। दून पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार ने बीते दिनों शिक्षा नीति को लेकर कहा था कि जीडीपी का 6% प्रावधान होगा, लेकिन इस बजट में तो शिक्षा पर 2% ही प्रावधान किया गया है। वहीं सिसोदिया ने यह भी कहा कि केवल जुमलों की केंद्र की सरकार है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि महंगाई को बढ़ाने वाला बजट पेश किया गया है, गरीब मध्यम वर्ग बेहद ही निराश है। इस बजट से सभी चीजों पर सेस लगा दिया गया है, इससे महंगाई और बढ़ेगी। अब राज्य सरकार भी इसे ही आधार बनाकर अपना बजट पेश कर देगी। इन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी भी लागू की लाए थे, उसमें लिखा था नई एजुकेशन पॉलिसी में कि हम 6% जीडीपी का एजुकेशन पे खर्च करेंगे, और वो नई एजुकेशन पॉलिसी का उसी को आधार बनाया था। उसकी खूब चारों तरफ केंद्र सरकार के मंत्री तारीफ करते घूम रहे हैं, जी बड़ी अच्छी पॉलिसी है, बड़ी अच्छी पॉलिसी है। तो 6% जीडीपी का तो इसमें लाए नहीं आप, तो 2% भी नहीं लेकर आए। सरकारी कर्मचारी हैं, सालों से ही उम्मीद कर रहे थे इनकम टैक्स में उन्हें रिलीफ मिले, पर कोई रिलीफ उन्हें नहीं दी गई है। केवल एक सेंटेंस कहा गया, 75 साल से ऊपर के लोगों का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा जाएगा, उन्हें ही राहत मिलेगी। तो जो सरकारी नौकरी में लंबे समय से थे और बीच बीच में आय और भत्ते के कारण तनख्वाह बढ़ जाती है, उन्हें किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई। सभी में सेस लगा दिया गया, एग्रीकल्चर में सेस लगाया गया तो दाल चना मटर सब महंगा हो गया। इसके पेट्रोल डीजल में सेस लगाया गया तो उनके दाम बढ़ गए, पेट्रोल के और डीजल के दाम बढ़ गए। महंगाई को कम करने की बजाय महंगाई और बढ़ जाएगी।